हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का ए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, यह सुगम गणित। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इस वीडियो में बताएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का एक। क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 तो कॉट ए और कॉस ए के का मान ज्ञात करना है। इफ कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 देन कॉट ए एंड कॉस ए क्या करना है, तो वैल्यू ज्ञात करना। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए एंड कॉस ए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है कॉस ए, तो लिखेंगे चूंकि कॉस ए बराबर 4/5। अब पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, यानी सब में ये थीटा हो, ये थीटा जो है ये एंगल का मान सूचित करता है। तो साइन का क्या बताते हैं, पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, टैन का पी बटा बी, और फिर साइन से क्या होता है कॉस है किसके उल्टा, तो एच बटा पी, कॉस होता है सेक तो एच बटा बी, और टैन से कॉट होता है बी बटा पी। तो यहाँ पे क्या है कॉस है, तो क्या होता है बी बटा एच। इसका फॉर्मूला इसको होता है बी और इसका हो जाता है एच। ठीक है, अब ये बी और एच इसमें मालूम है। ठीक है, अब क्या करेंगे पी निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए पी बराबर √√H²-B². ठीक है, एच से हाइपोटेनस होता है, बी से बेस होता है, पी से परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब आधार और कर्ण होते हैं। अब इसमें दिया हुआ है आधार है कर्ण, तो क्या निकाल देंगे लंब निकालेंगे। लंब निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर एच का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का 25, 4 का 16 हो जाएगा 9, और ये 3, ये पी का मान निकल गया। अब निकालना किसका है, तो कॉट ए और कॉस ए का वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाना है, तो लिख देंगे इसलिए कॉट ए। अब टैन के अपोजिट होता है कॉट, तो टैन का क्या होता है पी बटा बी, तो टैन, तो टैन से क्या होता है कॉट, तो इसका हो जाएगा बी बटा पी। अब बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो 4, और पी का मान निकाले हैं 3, तो 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 4/3। अब निकालना है कॉस ए का। ठीक है, तब लिखेंगे कॉस ए तथा कॉस ए, तो ये साइन का होता है पी बटा एच, तो साइन के अपोजिट होता है कॉस ए, तो किसका हो जाएगा एच बटा पी, तो एच बटा पी, और एच का वैल्यू है 5, और पी का यहाँ पे निकाले हैं कितना है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3, तो इसका मान हो जाएगा 5/3। इस तरह से ये 10 का पहला क्वेश्चन सुन लीजिए। ये इसी तरह से इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन है, 2 नंबर भी इसी तरह से है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 10 का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, 10 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि कॉस ए के इज इक्वल टू 12/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड कॉट ए। चूंकि 2 नंबर में दिया हुआ है कॉसेक ए का मान 12/5 है, तो कॉस ए और कॉट ए का मान प्राप्त करें या मान निकालें। तो कॉसेक ए, तो साइन का होता है पी बटा एच, तो इसका होता है एच बटा पी, इसमें निकाल देंगे बी यानी कि बेस आधार, इसका होता है √H²-P² एच, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 यानी 144, और इसका 25, इसको क्या कर देंगे घटाएंगे। अब यहाँ पर है 144, ठीक है, 144 में से 25 घटाएंगे, एक लेंगे 14। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेंगे तो 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9। ठीक है, अब बचेगा ये 3, 13, 13 में 3 में से 2 जाएगा तो 1, और ये 1, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 119 हो जाएगा। अब ये रूट में ही रह गया, ठीक है, ये तो नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 144 5 का 25। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहिए कि साइन कॉस, तो
यहाँ पे होता है कि साइन का होता है पी बटा एच और साइन से होता है कॉस एक, तो ठीक है, तो ये हो गया साइन का वैल्यू और ये हो गया कॉस एक का, तो ये एच बटा पी हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस एक का 12/5 दिया हुआ है, तो कॉस एक तो 5/12 बी निकाल देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का तो 12 का होता है 144 माइनस 25, ठीक है, तो 119 आ गया, ठीक है। अगर यही प्लस रहता तो 169 हो जाता, ठीक है, 169 का वर्गमूल होता है 13। अब ये रूट में है तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे, तब निकालना है कॉस ए, तब ले देंगे ये क्या हो गया बी का मान, तब निकालना है कॉस ए, तो इसका होता है बी बटा एच, बी बटा एच, तो बी का मान निकाले रूट में 119 और एच का मान दिया हुआ है 12 तथा कॉट ए, तो कॉट ए का मान निकालना है, तो कॉट ए तो टाइन का होता है पी बटा बी, तो इसका हो जाएगा बी बटा पी, बी रूट 119 और पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दो नंबर को मिटाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि कॉट थीटा का मान 7/8 हो तो 1 + sin θ, 1 - sin θ, फिर 1 + cos θ, 1 - cos θ का मान निकालना, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू है 7/8, ठीक, तो tan के अपोजिट क्या होता है cot होता है, तो p बटा b tan का होता है, तो इसका हो जाएगा b बटा p। और एक चीज में देखना है कि हमको क्या निकालना, 1 + sin, 1 - sin, यानी कि sin और cos निकालना, ठीक है। तब क्या कर देंगे कॉट, तो इसमें निकालेंगे एच, तो एच होता है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। पी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस बी का 7 है तो 7 का स्क्वायर, 8 का 64 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 और 7 × 7 = 49, जो देगा 9 × 4 = 13, 8 × 1 = 10, 6 × 10 = 11, यानी कि 113 एच का मान होगा। अब एच का मान निकल गया, ये कॉट का मान दिया हुआ है तो इसमें पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर आते, और बेस का मान दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकाल देंगे, हाइपोटेनस से तो क्या करा है अब उसका मान निकालना, तब लिख देंगे इसलिए 1 + sin θ, फिर 1 - sin θ, ठीक है, और बाटा में दिया हुआ 1 + cos θ और 1 - cos θ, ये दिया हुआ, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या करेंगे ए का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, फिर उसी तरह से 1 - cos θ2। अब 1 - 1 sin² तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और बटन हो जाएगा 1 - cos² θ, 1 - sin² θ तो होता है cos² θ, और 1 - cos² θ हो गया तो sin² θ, ठीक है, और sin θ / cos θ तो होता है tan² θ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cot है, cot से cot का अपोजिट होता है tan θ, तो क्या कर लेंगे b बटा p है तो इसका होता है p बटा b, और p का मान है 8 और इसका मान b का मान है 7, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बराबर 8 × 8 = 64 + 7 = 49, ये लीजिए ये बन गया। अब यहाँ पर एक चीज ये एक्स्ट्रा निकल गया, अब ये चीज निकाले हैं यहाँ पर तो इसका डायरेक्ट भी बना के दिखाएंगे, क्योंकि ये निकाले हैं तो ये तो क्या हो गया फार्मूला पे, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पे निकाले, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो इसका कोई जरूरी नहीं बचा, लेकिन अब ये निकाले तो इस पर भी डाल के बनाएंगे, ठीक है, ये तो आंसर आ गया मेरा। अब इसको मिटाते हैं और इसका डायरेक्ट बनाते हैं, कहाँ से तो यहाँ से बनाते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला पे बनाते हैं, इसको फार्मूला का यूज इसमें नहीं करते, डायरेक्ट इसका पी बाई एच बी बाई एच पे प्रयोग करके इसको बनाते हैं। अब माने कि जिसको फार्मूला याद ना रहे, ठीक है, अब इतना फार्मूला जो इसको चेंज किया है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फिर टैन स्क्वायर और टैन स्क्वायर तो 1/cot² फिर इसको पलट देंगे, ठीक है, अगर नहीं याद रहे तब तो इसका होता है साइन का, ठीक है, ये 1 + साइन का होता है पी बटा एच, ठीक है, तो पी का मान 8 है और एच तो हो जाएगा √113, फिर 1 - 8/√113,
फिर वन प्लस कॉस थीटा, कॉस का होता है बी बटा एच, तो सात बटा हो जाएगा रूट में 113, फिर वन माइनस सात बटा रूट 113, ये हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, तो पहले का स्क्वायर और यानी कि वही फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे इसको रखकर तोड़ लेंगे, ए का स्क्वायर और इसका हो जाएगा प्लस माइनस, तो हो जाएगा आठ बटा रूट 113 का स्क्वायर, और फिर ए का स्क्वायर माइनस सात बटा रूट 113 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक माइनस आठ अठाई चौंसठ और 113, फिर वन माइनस सात सत उनचास और बटा एक एक तीन। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस चौंसठ बटा 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस उनचास और बटा 113, 113 से 13 कट जाएगा, 113 में से आप चौंसठ घटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो 9, 0, 10, 4, 49, और फिर 3, 13 में से 9 जाएगा, 9 जाएगा तो 4, और ये 10, 10 में से 4 जाएगा 6, ये लीजिए 49 बटा 64, इस पर भी सॉल्व हो गया। अब इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, ये 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सिद्ध करे कि कॉस थीटा इंटू टैन थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन को 11 नंबर को क्या करना है, सोल्व करना, ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन